के चैनल से जुड़े रहने और नए आने वाले वीडियोस के अलर्ट हासिल करने के लिए नीचे सुर्ख रंग के सब्सक्राइब बटन और घंटी के आइकन को एक एक बार जरूर दबा दें। आओ बिल्लाह मेरे शैतान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। काबिल एहतराम टीचर्स, हिंदुस्तान के एक गांव के अंदर एक छोटा बच्चा रहता था। ये छोटा बच्चा आम बच्चों जैसा था, उसका बचपन आम बच्चों जैसा था, लेकिन उसके खेल ऐसे होते थे कि वो अपने इलाके की, अपने मोहल्ले की, अपने गांव के बच्चों को जमा करता, उनकी एक फौज बनाता और एक आपस के अंदर वो जंगों की का खेल खेलते। और यही बच्चा आगे चलकर पहले अपने इलाके का, फिर अपने रियासत का, और एक वक्त आया कि वो हिंदुस्तान का बादशाह बना। उसने बाबर के बेटे हुमायूं को शिकस्त दी और हिंदुस्तान के तख्त का हकदार ठहरा। उसने सिर्फ 4 साल हुकूमत की और इन 4 सालों के अंदर उसने इतने तरक्कियां की काम करवाए कि ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे आमतौर पर जीटी रोड जाना जाता है, ऐसे 4 रोड उसने बनवाए। और अपने सिर्फ इस 4 साल के दौर की वजह से और अपने तरक्याती कामों की वजह से वो हिंदुस्तान की तारीख का एक सुनहरा बाब बन गया। काबिल एहतराम टीचर्स, ये दास्तान है ऐसे लोगों की जिनके कुछ ख्वाब होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कोई मिशन होता है, कोई एम होता है, कोई मकसद हयात होता है। ये वो लोग होते हैं जो न सिर्फ अपने शब रोज को बदल देते हैं, अपनी तारीख को बदल देते हैं, बल्कि दुनिया की तारीख को भी बदल दिया करते हैं। तो हमने सिर्फ एक मिसाल बात की, शेरशाह सूरी। ऐसी दुनिया ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है, ऐसे सैकड़ों हजारों मिसालें हैं जिनके हम नाम ले सकते हैं, जो किसी टाइम के ऊपर बहुत ही कसमखुशी की जिंदगी बसर किया करते थे, लेकिन सिर्फ अपने ख्वाबों की वजह से, अपने ऑब्जेक्टिव्स की वजह से, अपने ड्रीम्स की वजह से और अपने मिशन की वजह से उन्होंने जिंदगी की, अपनी जिंदगी को बदल के रखा। ऐसे कुछ नामों के अंदर हम ऐसे बेशुमार हम ऐसे नाम ले सकते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, जो इतना बड़ा नाम है मुसलमानों और ईसाइयों की तारीख के अंदर, वो फर्द नूरुद्दीन जंगी का गुलाम हुआ करता था। तैमूर रंग, जो मुसलमानों का आखिरी सबसे बड़ा बादशाह था, जिसके पास सबसे ज्यादा बड़ी और आखिरी हुकूमत थी मुसलमानों की, वो जो मंगोलों के एक कमकर तातारी नस्ल से ताल्लुक रखता था। और उसने सिर्फ कमकर नस्ल तातारी से ताल्लुक, तातारियों से ताल्लुक होने की वजह से खुद को कभी भी कोई बादशाह नहीं लिखा। उसके नाम के साथ सिर्फ अमीर तैमूर लिखा जाता था। इसके बाद, इसके अलावा हम बिल गेट्स की बात कर लें जो कि माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है, हम स्टीव जॉब की बात कर लें जो कि एप्पल कंपनी का मालिक है, हम वरुण व्यास की बात कर लें, हम मेहंदी हसन की बात कर लें, हम अमिताभ बच्चन की बात कर लें, ऐसे सैकड़ों मिसालें हम नाम दे सकते हैं। किसी वक्त पर ये लोग भी स्ट्रगलर हुआ करते थे, इनको इनकी जिंदगी निहायत कसमकुशी के अंदर गुजरा करती थी। इन लोगों पर ऐसी भी रातें आई कि जब इन्होंने इन अपनी रातें जो है वो सड़कों के ऊपर गुजारी। इनके पर ऐसे दिन भी आए कि इनके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे, इनके पास ऐसे दिन भी आए कि अपने बच्चों के इलाज करने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, इनके पास ऐसा वक्त भी आया कि इनके पास किराया अदा करने के लिए अपने अपने मकान का पैसे नहीं होते थे, लेकिन इनके ख्वाब, इनकी ऑब्जेक्टिव्स, इनके मकासद के साथ जो लगन थी, उन्होंने इस काबिल बना दिया कि ये आज दुनिया के सितारे, दुनिया के लिए एक मिसाल है। तो मिशन वो चीज हुआ करती है जिसके ऊपर चलकर जो एक इंसान को एक सिमत देती है कि उसने किस तरफ जाना है। आज हमने इसी मौजू के ऊपर बात करनी है कि मिशन एंड विजन, स्कूल्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, कि किसी फर्द की जिंदगी में मिशन और विजन का क्या किरदार हुआ करता है। काबिल एहतराम टीचर्स, मिशन से मुराद होती है, इसको हम मायनी लफ्ज के तौर पर ले सकते हैं, एम, टारगेट, ड्रीम, ऑब्जेक्टिव
और मकसद हयात के तौर पर। किसी भी फर्द की जिंदगी के अंदर मकसद हयात उसके एम्स उसके ऑब्जेक्टिव्स का नहायत ही नुमाया रोल हुआ करता है। अगर कोई इंसान उसकी सिमती ना हो उसको पता ही ना हो उसने जाना कहां पर है तो वो कैसे अपनी एक डायरेक्शन के अंदर अपनी जिंदगी का सफर तय करेगा। एक बार उसको पता हो मैंने कराची जाना है तो वो लाजमी तौर पर कराची ही सिम पर अपने सफर का आगाज करेगा। वो थोड़ा चलेगा ज्यादा चलेगा थक के आराम करेगा लेकिन फिर भी अगर अपनी सिम के ऊपर ही सफर करता रहेगा तो एक टाइम आएगा कि वो जरूर कराची पहुंचेगा। जितना सफर करेगा वो अपने सफर को कम करता चला जाएगा और एक वक्त आएगा कि वो जरूर कराची पहुंचेगा। लेकिन एक ऐसा फर्द जिसकी जिंदगी का कोई ऑब्जेक्टिव ना हो कोई मिशन ना हो कोई मकसद ना हो वो कभी दो कदम शुमार हो जाता है दो कदम कभी मछली को जाता है दो कदम कभी मगरिब को जाता है और दो कदम कभी मजरूम की तरफ जाता है। वो उसका सफर एक दायरे की तरह के सफर की तरह विजन और मिशन की स्कूल्स टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए क्या अहमियत है। अगर किसी स्कूल को ये वादे ना हो कि उसका मिशन क्या है उसके मकासद क्या है कि उन्होंने स्कूल क्यों खोला है कि आया वो किसी अपने स्कूल के अंदर एलीट्स के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं आया वो अपने स्कूल्स के अंदर गरीबों के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं आया ये स्कूल एक वेलफेयर स्कूल होगा आया ये स्कूल एक इस्लामी स्कूल होगा आया ये स्कूल एक मॉडर्न स्कूल होगा आया ये स्कूल एक लिबरल और सेकुलर स्कूल होगा। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो स्कूल उस सिंक के अंदर सफर नहीं कर सकेगा। तो ये जरूरी है कि एक मिशन तय किया जाए स्कूल के लिए एक स्कूल ये जो स्कूल है इसका मिशन क्या होगा और इसने किस कैटेगरी के अंदर किस लिहाज से किस तरह से काम करना है। यही चीज एक टीचर की जिंदगी के लिए है कि अगर एक फर्ज टीचर बना है अगर एक फर्ज टीचर है उसको ये तय हो उसको ये तय ना हो कि उसने अपनी जिंदगी के अंदर क्या करना है उसकी जिंदगी का मकसद क्या है तो वो अपने स्टूडेंट्स को एक सिंत नहीं दे सकता अपने स्टूडेंट्स को भी इसके लिए तैयार नहीं कर सकता कि उनकी जिंदगी का कोई मकसद हो। तो लिहाजा एक टीचर को भी अपने लिए एक मिशन तय करना चाहिए कि उसकी उसकी जो टीचिंग है उसका मकसद क्या है। जब उसकी एक टीचिंग का मकसद होगा तभी उसकी टीचिंग जो है वो एक मीनिंगफुल बनेगी तभी उसकी टीचिंग जो है वो बामकसद बनेगी तभी उसकी टीचिंग के अंदर एक निखार आएगा एक स्पिरिट पैदा हो। अगर ये मकसद नहीं होगा तो एक टीचर टीचर नहीं बन सकता। एक टाइम पास तो हो सकता है कि साल के लिए दो साल के लिए तीन साल के लिए मैं ये काम कर रहा हूं लेकिन उसके अंदर कोई मीनिंग नहीं होगी उसके अंदर कोई मकसदियत नहीं होगी उसके अंदर कोई आउटपुट नहीं होगी। वो अपने स्टूडेंट्स को भी ऐसा ही एक दायरे के अंदर सफर करवाता रहेगा एक दायरे के अंदर लेके चलता रहेगा और उसका जो आउटपुट मिलेगा वो कि सफर कितना तय किया वो जीरो से चलेंगे और जीरो पर ही खड़े होंगे। इसी तरह से अगर स्टूडेंट की जिंदगी के अंदर भी मिशन की बेइंतहा अहमियत होती है अगर एक स्टूडेंट को अंदाजा ही ना हो कि मैंने किधर जाना है मैंने क्या बनना है मैंने किस सिंध के अंदर सफर करना है तो वो स्टूडेंट भी जो है एक ला हासिल का के अंदर एक दायरे के अंदर सफर करते रहेंगे। तो मिशन वो चीज है जो किसी इंसान की मंजिल का तायुन करती है। किसी स्टूडेंट का मिशन डॉक्टर बनना भी हो सकता है किसी स्टूडेंट का मिशन इंजीनियर बनना भी हो सकता है किसी स्टूडेंट का की लाइफ का मिशन सियासतदान बनना भी हो सकता है किसी स्टूडेंट की लाइफ का मिशन साइंटिस्ट बनना भी हो सकता है किसी स्टूडेंट्स की जिंदगी का मिशन सोल्जर बनना भी हो सकता है किसी स्टूडेंट्स की जिंदगी का मिशन टीचर बनना भी हो सकता है बिजनेसमैन बनना भी हो सकता है। तो जो भी स्टूडेंट जो बनना चाहता है अगर वो उसको क्लियर होगा तो वो अपनी उसी सीट के अंदर सफर करेगा। तो लिहाजा मिशन वो चीज है चाहे वो स्कूल हो चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट हो हर एक फर्द के लिए पहले से ये तय होना जरूरी है कि
उसने क्या बनना है, उसका मिशन है क्या, उसका टारगेट है क्या, उसके ड्रीम्स हैं क्या। अगर ये तय होगा तो उसी सिंध के अंदर सफर किया जाएगा, और जब एक सिंध लेकर सफर किया जाएगा तो सफर कटता जरूर है, सफर तय होता जरूर है। कोई मशहूर मकबूला है कि ड्रीम्स वो नहीं होते जो हम ख्वाब में देखते हैं, ड्रीम्स वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। अगर हमें हमारे ड्रीम्स हमारे क्लियर होंगे तो फिर हम उसी तड़प के साथ, उसी मेहनत के साथ, उसी लगन के साथ काम करें, और जब हमारे पास कोई सिद्ध नहीं होगी तो फिर हम हमारे अंदर तड़प भी नहीं होगी, एक लगन भी नहीं होगी, और हमारे हम एक बेहतर अंदाज के अंदर काम भी नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये जरूरी है स्कूल्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, तलबा के लिए भी, कि वो अपना एक मिशन मुतय्यन करें और फिर अपने सफर को उसी सिंध के अंदर लेकर चलें। जो शुरू में हमने बात की कि जिंदगी भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जिन्होंने, जिनके पास कभी कुछ भी नहीं था, लेकिन उनकी इस तड़प ने, इस ड्रीम्स ने और अपने मकासद की तरफ ही सफर करने ने आज उनको एक दुनिया के अंदर एक ऐसा मकाम बना दे दिया कि आज वो एक चमकते हुए सितारे हैं, आज वो एक चमकते हुए रोशन सितारे हैं सारी दुनिया के लिए, आज चमकते हुए मीनार है दुनिया के लिए, लोग उनको फॉलो करना चाहते हैं। तो लिहाजा हम टीचर्स की भी ये जिम्मेदारी है कि ये तड़प, ये सोच हम अपने तलबा के अंदर भी मुंतकिल करें, और अगर हम अपने तलबा को इस काबिल बना देते हैं, उनके अंदर ये सोच पैदा करते हैं, तो ये हमारी टीचिंग को मीनिंगफुल बनाता है। जो अपने मिशन के लिए दिन रात कोशिश करते हैं, ऐसे ही लोगों के लिए इकबाल ने फरमाया है कि अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। एक और शायर ने कहा कि है अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्याल से क्या होता है। तो जो अपने मिशन के लिए अपने आप को खपाते हैं वही किसी मंजिल के ऊपर पहुंचा करते हैं। काबिल एहतराम टीचर्स, मिशन के बाद हम बात करेंगे विजन कि विजन क्या चीज होती है। विजन मिशन के मुकाबले में एक ब्रॉडर टर्म है, एक ज्यादा वसी टर्म है जो ज्यादा औसत लिए हुए है। मिशन के जरिए हम ये तय करते हैं कि हमें बनना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट है वो चाहता है कि वो डॉक्टर बनना चाहता है, कोई स्टूडेंट है वो टीचर बनना चाहता है, लेकिन वो इस डॉक्टर बनकर, टीचर बनकर आज से ये 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल के बाद कहां पहुंचना चाहता है, किस जगह पर स्टैंड करना चाहता है, ये आज तय करना विजन कहलाता है। इस मिसाल को हम यूं ले सकते हैं कि अगर एक फर्द टीचर बनना चाहता है और वो इसी को अपना कैरियर बनाना चाहता है, वो टीचर तो बन गया, लेकिन उसकी जिंदगी, उसके टीचर बनने का मकसद ये है कि मैं टीचर बनकर दुनिया से जहालत के अंधेरों को खत्म करना चाहता हूँ, इलिटरेसी को खत्म कर देना चाहता हूँ, कि अगले 10 साल के बाद मैंने नवाबशाह से, चीन से, पाकिस्तान से या दुनिया से इलिटरेसी को खत्म कर देना है। ये विजन, विजन एक स्कूल का भी हो सकता है, ये विजन एक टीचर का भी हो सकता है, और ये विजन एक स्टूडेंट का भी हो सकता है। कि बहसियत स्कूल, बहसियत उस्ताद के हमारा विजन क्या होना चाहिए, क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया, तो अल्लाह ताला ने हमें जो हमारी कामयाबी इस चीज के अंदर है वो रास्ता भी हमें बता के भेजा कुरान के जरिए से, अपने पैगंबरों के जरिए से। तो हम अगर असल कामयाबी को समझना चाहते हैं कि असल कामयाबी है क्या, तो हमें इसके लिए कुरान की तरफ ही रुजू करना पड़ेगा। यूं तो कामयाबी की हर एक के लिए अलग अलग कई डेफिनेशन हो सकती है, हर फर्द कामयाबी के लिए अलग अपने लिए मियार पर कर सकता है, लेकिन क्योंकि हम दुनिया के अंदर एक खास मकसद से आए हैं, अल्लाह ताला ने हमें दुनिया के अंदर एक खास मकसद से भेजा है, और अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर हमें ये भी बता दिया है कि कौन लोग कामयाब हैं और कौन लोग कामयाब नहीं,
तो आइए अगर देखते हैं कुरान में कामयाब लोग अल्लाह ताला किन को करार देता है कि कौन लोग कामयाब हैं और कौन लोग वो हैं जो नाकाम हैं। सूरह यावर आयत नंबर 56 अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि मैंने जिनों को और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी बंदगी इख्तियार करें। सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185 उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कामयाब तो बस वो है जो आतिशे दोज़ख से बच गया और जन्नत में दाखिल कर गया। सूरह नंबर 4 आयत नंबर 13 यहां अल्लाह ताला फरमाते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा उसे अल्लाह ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बहती होंगी और इन बागों में वो हमेशा रहेंगे और यही बड़ी कामयाबी। सूरह नंबर 6 आयत नंबर 16 के अंदर कुरान सूरह में कुरान में कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं और उस दिन जो सजा से बच गया उस पर अल्लाह ताला ने बड़ा ही रहम किया और यही नुमाया कामयाब। एक और जगह अल्लाह ताला में कुरान में फरमाते हैं सूरह नंबर 9 आयत नंबर 29 अल्लाह ने इनके लिए ऐसे बाग तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं इनमें वो हमेशा रहेंगे और यही है अजीम शान का। ये कुछ आयात हैं जो जिनका मैंने जिनको मैंने कॉपी किया है कुरान से। ये सिर्फ चंद आयात हैं, ये शुमार जगहों पे आपको मिलेगा। असल कामयाबी जो है वो हमें कुरान से ही मिल सकती है। असल कामयाबी हम इंसानों की है इसके अंदर। काबिले इकराम टीचर्स, ये बात बहुत ज्यादा जहन नशीन रखने की है। हमारे स्कूल्स के अंदर टीचर्स जो हैं तलबा को उस असल कामयाबी के लिए तैयार करते हैं तो समझें हम स्कूल्स बेहतर काम कर रहे हैं, हम टीचर्स बेहतर काम कर रहे हैं, उनको हकीकी कामयाबी की तरफ लेकर जा रहे हैं। हमारी जिंदगी का मिशन कुछ भी हो सकता है, हम डॉक्टर बने, हम इंजीनियर बने, हम पायलट बने, हम सोल्जर बने, हम साइंटिस्ट बने, हम शास्त्रदान बने। हमारे तलबा की कोई सोच कुछ भी, ये इफरादी तौर पर ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन विजन जो है अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर हमें तय करके दे दिया है कि असल कामयाबी क्या। अगर अब हम स्कूल्स और टीचर्स असल कामयाबी के लिए अपने तलबा को तैयार करते हैं तो यही हमारी कामयाबी है, स्कूल की भी और टीचर्स की। अगर हम अपने तलबा को, हम स्कूल्स और टीचर्स अपने तलबा को असल कामयाबी के लिए तैयार नहीं करते और हम जब वहां वो जो असल इम्तिहान होना है आखिरत के रोज वहां पर अगर हम फेल करार पाते हैं, हम टीचर्स फेल करार पाए या हमारे स्टूडेंट फेल करार पाए, तो ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम उनको उस कामयाबी के लिए तैयार करें। तो मिशन कुछ भी हो सकता है लेकिन विजन हमारा यही होना चाहिए कि हमें अपने तलबा को उस असल कामयाबी के लिए तैयार करना है, उनके अंदर ये सोच डेवलप करनी है कि बेटे असल कामयाबी जो है वो यही है कि आखिरत के रोज रोज़े महशर जब हिसाब किताब में सब जमा हो तो वहां पर हमारा नामा अमाल हमें सीधे हाथ में दिया जाए। और तो जिन लोगों को नामा अमाल सीधे हाथ में दे दिया गया उन और तो वो तो कामयाब हो गए, और जिनको नामा अमाल पीछे से दिया गया और उल्टे हाथ के अंदर दिया गया तो वो तो समझे मारे, वो तो फेल हो गए और उन्होंने हमेशा और सिर्फ चंद ये वो नाकामी चंद दिन की नाकामी नहीं होगी, हमेशा की नाकामी होगी। और अगर पास हो गए तो वो कामयाबी भी हमेशा की कामयाबी होगी। तो मिशन कुछ भी हो, विजन हमारा यही होना चाहिए कि हमने अपने तलबा को उस असल कामयाबी के लिए, हकीकी कामयाबी के लिए तैयार करना है। वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, तो हमें उनके अंदर ये सोच पैदा करनी है कि बेटे आप जो भी बनना चाहते हैं आप बने, जो भी आप दुनिया के अंदर रहते हुए जो भी शोभा अख्तियार करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी सोच यही होनी चाहिए कि आपने डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनके अपने रब को राजी करना है। अगर आप इंजीनियर बन रहे हैं तो आपने इंजीनियर बनके वो रास्ता अख्तियार करना है कि जब आखिरत का इम्तिहान हो तो वहां पे आपका नामा अमाल सीधे हाथ के अंदर जमा किया जाए।
और अगर हम कोई बिजनेसमैन बन रहे हैं, अगर हम सोल्जर बन रहे हैं, तब भी हमारी सोच, हमने अपने दल के अंदर यही सोच पैदा करनी है कि इस इसके जरिए से हमने अपने रब को राजी करना है, दोजख से बचना है और जन्नत को हासिल करना है, यही असल कामयाबी। तो विजन स्कूल्स के लिए और हम टीचर्स के लिए विजन यही होना चाहिए कि हमने अपने बच्चों को इसके लिए तैयार करना है। मैं अब तमाम टीचर्स को ये नसीहत भी करूंगा, ये हिदायत भी करूंगा कि इससे बेहतर विजन नहीं हो सकता। अगर हम ये काम करें, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अमलों का दारोमदार नियत के ऊपर होता है। इसके लिए चंद एक मिसालें मैं आपको पेश करता हूं कि एक फर्द जो है वो मकान बना रहे थे और उसमें उन्होंने खिड़की लगाई, तो पूछा गया कि ये खिड़की आपने क्यों लगाई है, तो उन्होंने कहा ताकि यहां से हवा आए, वेंटिलेशन रहे, कमरा ठंडा रहे। तो कहा गया कि अगर ये तुम खिड़की इस नियत से लगाते कि यहां से अजान की आवाज आए तो ये खिड़की तुम्हारे लिए सवाब का बाइस है। जब खिड़की लगती हवा और रोशनी तो वहां से आनी ही आनी थी। एक और वाकया है कि एक फर्द ने मस्जिद के बाहर एक खूंटा काट दिया ताकि लोग आए और वहां पे अपने जानवर है वो बांध लें और वो इत्मीनान से अपनी नमाज पढ़ लें, तो इस नियत से उन्होंने खूंटा काट दिया। एक और फर्द वहां से आए, सहाबी आए, तो उन्होंने उस देखा कि रास्ते के अंदर खूंटा लगा हुआ है, तो उन्होंने ये सोचा कि किसी की अंधेरे में या अंधेरे में टक्कर इससे लगे और गिर पड़े और उनको चोट लग जाए, उन्होंने उस मौके पर कहा। सहाबा इकराम ने नबी पाक सल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह कि दोनों में किसका अमल सही है, लगाने वाले का या निकालने वाले का? आपने फरमाया दोनों का अमल सही है। उसने भी सवाब की नियत से लगाया और उसने भी सवाब की नियत से निकाला। तो काबिल एहतराम टीचर, अगर हम अपने तलबा को उस असल कामयाबी के लिए तैयार करते हैं, आप यकीन मानिए कि ये हमारा पढ़ना, हमारा स्कूल खोलना, हमारा स्कूल चलाना हमारी उस असल कामयाबी की वजह बने। उससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती है कि आखिर के रोज हम जन्नत के हकदार ठहरा दिए जाए और दोजख के हाथ से बच जाए, इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है? हम एक और मिसाल के ऊपर भी बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं मिशन और विजन। मिसाल के तौर पर एक फर्द है, उसका मिशन है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, साइंटिस्ट बनना, बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना। वो अगर अपने मिशन में कामयाब हो भी जाए, वो बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाए, वो बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाए, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाए। अब मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आखिरत के रोज उसका नामा-ए-माल उल्टे हाथ में दिया गया, पीछे से दिया गया और उसको दोजख का दरवाजा ठहरा दिया गया, तो आप समझते हैं वो कामयाब है? चाहे हम उस्ताद ही हो, चाहे वो हम स्कूल चलाने वाले ही, तो आप समझते हैं क्या वो कामयाब है? माना अगर हम अपने मिशन में बहुत हद तक कामयाब हो भी जाए और लेकिन अगर हम अपने विजन के अंदर विजन के लिहाज से फेल हो जाए तो हम नाकाम हैं, इतने बड़े नाकाम। उससे बड़ी नाकामी क्या होगी कि जहां हमने हमेशा के लिए दुनिया के अंदर डाल दिया। और अब जरा इस चीज को भी देखें कि एक फर्द है वो इस मिशन में तो फेल हो गया, जो वो चाहता था वो नहीं बन सका, उसके लिए कोशिश करता रहा, रास्ता उसने वही इख्तियार किया जो उसके विजन ने उसे बताया कि मुझे अल्लाह ताला को राजी जरूर करना, लेकिन वो उस मकाम तक नहीं पहुंच सका और आखिरत के लेकिन आखिरत के रोज उसको नामा-ए-माल सीधे हाथ में दिया गया और उसको जन्नत का हकदार ठहरा दिया गया। अब वो विजन के लिहाज से तो नाकाम रहा लेकिन विजन के लिहाज से उसने अजीम कामयाबी हासिल। तो मिशन की कामयाबी या नाकामी इतनी बड़ी मायने नहीं रखती। यहां पर अगर हम कामयाब हो गए और यहां पर हम फेल हुए या पास हुए, ये कामयाबी ही असल और अजीम कामयाबी। मिशन के लिए भी हमें जरूर कोशिश करनी है, उसके लिए भी हमें जो हमारे अगर तलबा जो उनके अंदर ये सोच डेवलप जरूर करनी है कि वो अपने टारगेट सेट करें, वो इंजीनियर बने, पायलट बने, सांसदार बने, बिजनेसमैन बने। हम नमाज के अंदर हर रोज दुरूद शरीफ के बाद एक आयत पढ़ते हैं कि रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना
अल्लाह मुझे दुनिया की भलाई अता फरमा, यानी कि हमें दुनिया के लिए भलाई के लिए ज्यादा से ज्यादा जरूर कोशिश करनी चाहिए, और फिर आखिरत ही हसन और हमें आखिरत के अंदर हसन अता फरमा और हमें दोजख के अज़ाब से बचा ले। दुनिया की भलाई मिशन, कि हमें मिशन के अंदर कामयाबी के लिए कोशिश करनी चाहिए, और फिर आखिरत की भलाई और दोजख के अज़ाब से बचाना विजन, कि हमें उसके लिए भी कोशिश करनी चाहिए। मिशन में फेल और पास होने के लिहाज से एक और वाकया है कि एक बार फरिश्ते अल्लाह ताला के हुजूर अर्ज करते हैं कि अल्लाह दुनिया के तरफ फरार बंदा है, वो हर वक्त तुझे याद करता है, हर वक्त तेरी याद में लगा रहता है, हर उस रास्ते को इख्तियार करता है जो तेरी रजा का सबब बन सकता है, लेकिन दुनिया के अंदर वो बहुत ही बुरे हाल के अंदर, उसने कभी दुख देखा ही नहीं, कभी सुख देखा ही नहीं, बीमारियां दुख परेशानी ये इसका मुकद्दर है। और एक और आदमी है जो तुझे याद ही नहीं करता, जो मुझ पर ईमान भी नहीं रखता, जो तेरे साथ और को शरीक भी ठहराता है, और उसको दुनिया के अंदर सारी नियमत हासिल है, तो ये क्या इंसाफ है, ये क्या बात है। तो अल्लाह ताला उसको फरमाते हैं कि तुम जाओ दोजख में जाओ और फरा जगह का जरा देख कर आओ कि वहां पर क्या सूरत हाल है। जो फरिश्ता वापस आके बताता है कि या अल्लाह वहां पे तो जो लोग हैं उनका तो तकलीफ के मारे इतना बुरा हाल है, इतना सख्त अज़ाब उनके ऊपर डाला जा रहा है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब वो अमीर बंदा ये पे ना अमल करने वाला बंदा जब यहाँ पर आएगा तो ये जगह मैंने उसके लिए बना रखी। और एक वो आदमी जो दुनिया के अंदर हमेशा दुखों में रहा, तकलीफों में रहा, अपने मिशन को हासिल करने के लिए जायज तरीके से कोशिश करता रहा लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहा, तो अल्लाह ताला कहेगा आप जन्नत में जाओ, जरा जाओ उस फरा जगह का जरा मायना करके उसको देख रहा। तो जब वो फरिश्ता वापस आएगा और आके कहेगा कि अल्लाह वहां तो इतनी ठाट है, इतनी अयाशियां हैं, इतना जबरदस्त महल है, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ये महल मैंने उस आदमी को के लिए तैयार किया है, जब ये अब यहाँ पर आएगा तो ये महल उसको मैं दूंगा। तो फिर अल्लाह ताला पूछते भी है कि क्या तुम समझते हो कि जब ये गरीब आदमी ये दुखों में घिरा हुआ आदमी जब इस जिंदगी को तैयार करेगा तो क्या कभी इसको अपने दुख याद रहेंगे। रिश्ते कहते हैं अल्लाह वो तो अपने लम्हों के अंदर अपने दुखों को भूल जाएंगे, और वो जो हमेशा सुख में रहा जब उस अजाब के अंदर डाला जाएगा तो उसको कभी याद भी नहीं आएगा कि मैंने जिंदगी के अंदर कभी सुख देखा। तो लिहाजा मिशन के लिए कोशिश जरूर करनी चाहिए, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतन, लेकिन इसकी कामयाबी और नाकामी असल कामयाबी या असल नाकामी नहीं है, असल कामयाबी और असल नाकामी विजन के अंदर की नाकामी है। मोहतरम टीचर्स, असल जो कामयाबी है हमें उसके लिए काम करना चाहिए, हम स्कूल वालों को, हम टीचर्स को इसी चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए, हमारा विजन यही होना चाहिए कि हमने अपने तलबा को आखिरत की असल कामयाबी के लिए तैयार करना है, यही हमारा विजन है, हमारे स्कूल का विजन है। मैं तमाम टीचर्स को यह हिदायत करता हूँ, नसीहत भी करता हूँ कि आपने तलबा के अंदर ये विजन और मिशन, मिशन और विजन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर करें, अपने तलबा को इस चीज के लिए उनकी गाइडों को गाइड करें कि वो मिशन के लिए बिल्कुल कोशिश करें, मिशन को हासिल करने के लिए बिल्कुल उनको अपने दिमाग ये करने चाहिए, उनको दुनिया के अंदर बड़े से बड़ा आदमी बनने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए उसको रास्ता वही तैयार करना चाहिए कि जो उसमें विजन की कामयाबी का बाइस, आखिरत के अंदर हकीकी कामयाबी का बाइस। अगर हमने ये काम किया तो हमारा ये काम करना, हमारा स्कूल चलाना, आपका बच्चों को पढ़ाना, ये सब सवाब का बाइस। और इंशाल्लाह मैं ईमान रखता हूं कि आखिरत के अंदर ये हमारे ये भी कामयाबी का बाइस बनेगा। और एक और मैं आप वाक्य भी आपके सामने रखना चाहूंगा कि आखिरत के लोग जब बंदों का उनके सामने नामा अमाल रखा जाएगा तो उसके उसके अंदर उसको ऐसी बहुत सारी नेकियां नजर आएंगी कि वो जो उसने की नहीं हो, वो हैरान होकर पूछेगा कि ये इतनी बड़ी इतनी सारी नेकियां हैं, ये तो मैंने की नहीं है, ये मेरे नामा अमाल में कहां से आ गया। तो उसको जवाब दिया जाएगा कि ये वो नेकियां हैं कि जो उन लोगों ने की थी जिन्होंने तुम्हारी कहने की वजह से, तुम्हारे समझाने की वजह से, तुम्हारे बताने की वजह से उनके ऊपर अमल किया, तो जितना स्वाब उसको मिला उतना स्वाब ही तुम्हें भी मिला। तो डियर टीचर्स,
ये जितने बच्चे हमारे इस समझान इस विजन को और मिशन को क्लियर करने पर अगर ठीक रास्ते पे अमल करते हैं तो ये जितना अमल ये करेंगे ये सारा का सारा अमल स्कूल्स चलाने वालों को असातिज़ा जो पढ़ाने वाले हैं उनको उतना ही सवाब उनके खाते के अंदर भी उनके दर्ज किया जाएगा। और ये आगे चल के ये बच्चे अगर किसी सीधे रास्ते पे चलते हैं और लोगों को तैयार करते हैं तो ये चेन बनती चली जाएगी जो लोग सारे अमल कर रहे होंगे और सवाब हम हासिल कर रहे होंगे। तो मोहतरम असातिज़ा यही असल कामयाबी है, विजन को समझाना, विजन को क्लियर करना तलबा के जहनों के अंदर, ये हम सब की जिम्मेदारी है और हमें इसके हवाले से कोई कोताही नहीं करनी है। थैंक यू। के चैनल से जुड़े रहने और नए आने वाले वीडियोस के अलर्ट हासिल करने के लिए नीचे सुर्ख रंग के सब्सक्राइब बटन और घंटी के आइकन को एक एक बार जरूर दबा दें।